मुख्यमंत्री बघेल ने की अखंड नवधा रामायण के समापन समारोह में शिरकत। बाबा अनुरागी जी की समाधि पर पुष्पांजलि और हवन कुंड में आहुति अर्पित कर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद मांगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले के विकास खंड पथरिया के ग्राम मोतिमपुर स्थित अनुरागी धाम में बाबा अनुरागी की याद में अखंड नवधा रामायण समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुरागी धाम में आयोजित अखंड नवधा रामायण के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने बाबा अनुरागी की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित की और नवधा रामायण में शामिल कथावाचकों को शॉल प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री बघेल ने बाबा अनुरागी की समाधि पर पुष्पांजलि और हवन कुंड में आहुति अर्पित कर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। तदुपरांत मुख्यमंत्री बघेल ने वहां आम लोगों और साधु संतों के लिए आयोजित भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने आम लोगों एवं साधु संतों को भोजन भी परोसा तथा आम लोगों और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल ने समाज और साधु संतों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया, वहीं मीडिया को भी कोई जवाब दिए ही वापस चले गए। सरगांव मुंगेली मोतिमपुर से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।